स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम सम गोस्वामी। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ एप्लीकेशन कैसा लिखा जाता है। कॉमन में आप लोगों को बताने वाला हूँ तीन दिन की छुट्टी, ठीक है। जैसे आपको तीन दिन की छुट्टी चाहिए, जैसे अगर आपकी माँ बीमार हो तो आप तीन दिन की छुट्टी लिख दो, ठीक है। अगर आपको मतलब कहीं जाना है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है अपने कजिन सिस्टर की मैरिज में जाना है, तो आप तीन दिन की छुट्टी लिख दो। या फिर आपको स्कूल से प्रिंसिपल को देना है कि हमें तीन दिन की छुट्टी चाहिए कुछ विशेष कार्य के लिए, घर पर कुछ काम है, तो भी आप यही एप्लीकेशन लिख सकते हो। अगर आपको चार दिन की चाहिए तो आप यहाँ तीन के स्थान पर चार कर सकते हो, डेट बदल देना, ठीक है। मतलब यही है कि सबसे इंपॉर्टेंट ऐसा यही है स्टूडेंट, और ये आप समझो कि आप ये ना देखो कि आप कहीं से देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आप लोगों को कॉमन बता रहा हूं कि ऐसे ही आपको लिखना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग भी लिख ले, एक दो बार लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखो लिखा हुआ है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days you have to attend the marriage of your cousin sisters। फिलहाल आधा तो एप्लीकेशन इसी में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओगे तब। देखो पहले आप लोगों को लिखना क्या है, टू, ठीक है। टू लिखने के बाद एक छोटा सा कॉमा लगाइए, ठीक है, छोटा सा कॉमा लगाइए। मैं यहां अच्छे से एक कॉमा लगाइए, फिर लिखिए द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल, फिर एक छोटा सा कॉमा लगाइए, ठीक है, दो कॉमा लगाने हैं। फिर आपके जो स्कूल का नाम हो, ठीक है, यहां आपके जो स्कूल का नाम हो स्टूडेंट, यहां मैं स्कूल का नाम नहीं लिख रहा हूं, आप जैसे भी आपके स्कूल का नाम हो, ठीक है, यहां अपने स्कूल का नाम लिख देना, जो भी आपके स्कूल का नाम हो, ठीक है, डीएवी गांधी, या फिर आप लोग कोई भी स्कूल का नाम हो, आपके कोई भी गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर आपकी कोई भी स्कूल हो, उसका नाम यहां आप लोग लिख देना, ठीक है। अब यहां लिखना सर, जैसे आपको प्रिंसिपल को देना तो यहां लिखिए सर, इसी के लाइन पर लिखिए, ठीक है, एकदम लाइन पर ये लिखा हुआ है सर, ठीक है, सर, आप समझ जाओगे स्टूडेंट, ठीक है, सर। फिर आपको एक डैश लगाना है, सर के बाद एक डैश लगाना है, ठीक है। फिर आपको लिखना है क्या, रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्टफुली आई हैव आदर के साथ, ठीक है, रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से डैट। देखो स्टूडेंट मैं बहुत ही इजी तरीके से लिख रहा हूं कि आप लोग इसे समझ लो हिंदी है, ठीक है। माई कजिन सिस्टर कजिन्स, यहां कजिन्स का अर्थ हो गया कजिन सिस्टर हो गया, ठीक है, यस लगा दिया ना। फिर मैरिज मैरिज इज टू टेक प्लेस, मतलब स्थान, ऑन द कमिंग, अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, समझ जाओगे, कॉमिंग, जैसे आपका जो डेट हो, मैं यहाँ एक कॉमनली डेट डाल ले रहा हूँ, या फिर या मैं कुछ डाल नहीं रहा हूँ, डेट नहीं डालूंगा, ठीक है, चलो डेट डाल रहा हूँ। आप लोगों का जो भी डेट हो मैं यहाँ 12 अगस्त डाल देता हूँ, ठीक है, एट भोपाल, मतलब ये भोपाल में जाना है, ठीक है, यहाँ आप लोग ऐसे लिख लेना। अब आपका जहाँ हो, भोपाल हो या फिर राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, मतलब जो आपका हो, या फिर कोई आपकी सिटी हो, मुंबई दिल्ली या फिर कोई और चीज़ हो, ठीक है, तो वहाँ आप लोग ये लिख देना। या फिर आप कॉमनली ये भी लिख सकते हो, बोर्ड एग्जाम में आए तो वो भोपाल ही लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको जाना क्यों है, क्योंकि आई हैव अटेंड द मैरिज, मुझे मैरिज देखो अटेंड करना है, ठीक है, उपस्थित होना है मैरिज में। लेकिन क्यों, देखो अभी मैं आप लोगों को रीजन बताता हूं, क्योंकि आपके पिता भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि माय पिता इज नॉट इन ए पोजीशन टू डू द शो, मतलब ये मेरे पिता नहीं जा सकते, क्योंकि थोड़ी मतलब पोजीशन मतलब है नहीं कि वहां उनको कोई दूसरा कार्य होगा, इसलिए वो वहां जाने में असमर्थ है, ठीक है। तो यहां लिख दो माई फादर
माई फादर इज नॉट, मतलब नहीं है इन ये पोजिशन, मतलब जाने के पोजीशन में नहीं है। कहते नहीं हो मैं वहां आज जाऊंगा नहीं, मेरा पोजीशन नहीं, ठीक है, तो वहां वो जाएंगे नहीं, ठीक है। तो टू डू, या इसलिए मुझे ये करना पड़ेगा, ठीक है, डू मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। सो अब यहां आप लोग लिख दो कुछ आदर वादर, ठीक है। फिर यहां लिखना है स्टूडेंट काइंडली ग्रेंट मी लीव फॉर 3 डेज। अगर आपको 3 दिन की चाहिए तो यहां 3 डेज लिखो, आपकी 5 दिन की चाहिए तो यहां 5 डेज लिखो, आपको 4 दिन की चाहिए तो 4 डेज लिखो, कोई कॉमन है ये सब में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फ्रॉम 11 से 13, यानी कि 11, 12, 13, 3 दिन की छुट्टी हो गई ना, 11 भी लेना है, 12 भी लेना है, 13 भी लेना है, 3 दिन की छुट्टी ये होगी। आई हैसल टू हैसली और बिगलेट, ठीक है, आपकी बहुत आसिम कृपा होगी, ठीक है। अब यहां आपको ये लिखने के बाद आपको करना क्या है, आपको ये लिखने के बाद आप अपना नाम भी यहां लिख सकते हो, ठीक है, अपना नाम यहां लिख सकते हो, ठीक है। और यहां फिर आप लोग लिख देना किस क्लास में हो, मान लो क्लास 10th में हो तो यहां आप लोग क्लास 10th लिख देना, या फिर ऐसे रोमन गिनती में लिख देना क्लास 10th लिख देना, ठीक है। यहां आप लोग यहां डैड डाल देना, DAT डैड, जिस डैड से हो, ठीक है। तो अगर एप्लीकेशन लिखना हो स्टूडेंट तो ऐसा लिखना है, ठीक है, आप लोगों को मैं एक कॉमन एप्लीकेशन बता दिया हूं। अब आप लोगों को इसी टाइप से लिखना है स्टूडेंट, यहां आप लोग देख सकते हो, देखो एप्लीकेशन जो होता है ना आप लोगों को लिखना ऐसे है, थोड़ा गलत भी, मतलब थोड़ा आप लोग इंग्लिश भूल जाओगे तो थोड़ा आप लोग अपने तरफ से इस्तेमाल कर देना, ठीक है, कोई गलत नहीं होगा स्टूडेंट। एक प्रकार से एप्लीकेशन है, आपको डेट का ध्यान देना है और कितने दिन की छुट्टी चाहिए ये ध्यान देना है, और थोड़ा आप लोग अपने मतलब जो सब्जेक्ट है ना, जैसे इसमें जिनको मैरिज में जाना है आपकी जो सब्जेक्ट हो उस पर ज्यादा ध्यान दो, बस इतना फोकस करना है, बस एप्लीकेशन में यही होता है स्टूडेंट, ठीक है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर हाँ चैनल पर नए आए हूं तो पहले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो स्टूडेंट, ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।